नई जिंदगी येथील प्रभाग क्रमांक जुना 21 आणि नवीन 34 या ठिकाणी रस्ता कॉंक्रिटीकरण करण्याचा कामाचा शुभारंभ नगरसेवक तौफिक शेख यांच्या शुभ हस्ते नुकताच करण्यात आला. नई जिंदगी येथील जुना प्रभाग क्रमांक 21 नवीन प्रभाग क्रमांक 34 येथे एम हॉल कॉर्नर ते लक्ष्मण वाघमारे यांच्या घरापर्यंत कॉन्क्रिटीकरण रस्त्याच्या कामाचं उद्घाटन नगरसेवक तौफिक शेख आणि प्रभागातील नागरिकांच्या हस्ते करण्यात आले. सदर रस्ता 9,50,000 रुपयाचा असून 2021 आणि 22 या नगरत्वा निधीतून माजी पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या माध्यमातून आणि नगरसेवक तौफिक शेख यांच्या प्रयत्नातून मंजूर करण्यात आलाय. यावेळी सर्व नगरसेवक आनंद नगर मधील सर्व ज्येष्ठ नागरिक तसेच ताज सोशल ग्रुपचे सर्व पदाधिकारी उपस्थित होते. कारण त्या समाजाचा आम्हाला अनुभव आहे की समाज एकदा शब्द दिला मंदिरामध्ये जाऊन एकदा नारळ फोडले महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री फडणवीस जरी आला तर आपण पहिल्यांदाच पाठीमागे राहणार याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं प्रभाग क्रमांक 21 नवीन प्रभाग क्रमांक 34 यहाँ पर आनंद नगर भाग 3 के अंदर हमारे नेता आदरणीय पालकमंत्री दत्तात्रेय भरणे मामा इनके माध्यम से इनकी कोशिशों से और हमारी मांगनी के अनुसार भरने मामा ने हमें यहाँ पर 9.5 लाख का जो कांक्रीट का रास्ता दिया मैं सब में पहले उनको शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि उन्होंने निधि देने के बाद ही काम शुरू हुआ. और इस प्रोग्राम में मौजूद हमारे दोस्त नौदी मुल्ला साहब आशिफ भाई और काशी माई साहब रफीक अन्ना बकार साहब और अनीस भाई बाड़ू बड़ौने अमर बड़ौने अमर बड़ौने लक्ष्मण वाघमारे मजर और इरफान हिंदी वाले शुक्र मनाजी साहब रफीक भाई आशिफ राजे आरिफ भाई नबीलाल पेंटर साहब और अनीस भाई तौसीफ सगरी और रफीक नाम था इनूस भाई और दीगर हमारे कदीर भाई जितने हमारे साथी है पूरे और हमारे अन्नगर 3 के नाम माता भगिनी और हमारी बहन नगर शिव का तस्लीम इरफान शेख इन सब के यहाँ पर मौजूदगी में आज लोगों का उद्घाटन हुआ मैं इसे जाहिर करता हूँ और तमाम लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया और मैं यहाँ के लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि काम देर से हो रहा क्योंकि बीच में लॉकडाउन का मसला था और निधि जरा देर से हुआ जो उसका पार्ट पूरा हो रहा था कम से कम 4-6 महीने लगते निधि पास होने टेंडर निकलना वर्क ऑर्डर निकलना और अभी आपको मालूम है कि महाविकास आघाड़ी की सत्ता सरकार नहीं है लेकिन जो पहले की हमारी निधि थी ये निधि की हमारे महाविकास आघाड़ी के नेता लोगों ने हमें दिया है मैं तमाम महाविकास आघाड़ी के नेता लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ.